Hi and welcome to the video. In this video, I'll be reacting to and reviewing the song Chandra. This is from the Marathi film Chandramukhi. The singer here is Shreya Ghoshal, lyric writer is Guru Thakur, and the music composers are Ajay and Atul. So a lot of you guys asked me to react to this, so I'm doing this. I am a huge Ajay Atul fan myself, so anyways, I was going to listen to this, but I thought I'll do it on the channel. If you want me to review the entire album, let me know in the comment section down below. Main definitely wo karunga, us pe dhyan dunga, but main ek time commit nahi kar paunga because of my work and other things. But definitely, agar aap logo ko chahiye to channel pe pura album चंद्रमुखी का हम लोग रिव्यू करेंगे. विद दैट बीइंग सेड, अब मैं अपने यूजुअल चीज़ों पे आ जाता हूँ. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लीव अ लाइक. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाए. विद ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू द रिएक्शन. ओके, if it's allowed me dholak is so much right. Okay. Sorry, I'm pausing very quickly, but before we get into the actual song, so from the rhythm, I was expecting that typical Lavani rhythm. Some of it was there. I'm not an expert in Indian classical music, or I'm not even a student of classical music or folk music. So when the pattern started, I thought I knew ki exactly aisa hi jayega. Bahut se gaanon mein suna hai, Ajay Atul ke gaanon mein bhi suna hai, Apsara Ali Awaaz Leke Bara, but bahut sara variation tha dholak pattern mein. To every time they are trying to find something new in the same kind of song, same genre mein, abhi Lavani hai, kitne alag tarah se interpret karenge, to unhone kiya hai usko bahut acche se. So main iske pehle bhool jata, isliye maine pehle gaana shuru hone ke pehle hi sirf wo पर्टिकुलर रिदम अरेंजमेंट का मैंने बोल दिया. सो या, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड वॉच द सॉन्ग. इवन अ वॉइस सीन्स चेंज्ड हियर. ब्यूटीफुल. Nice touch with the nice. Oh. Nice parts there. Okay, this is the chorus. Okay. Again, let me quickly pause because musically there is so much information here कि बोलने का बार-बार मन कर रहा है. Percussion बढ़ गया. Initially सिर्फ एक ढोलक type का था, अभी layered हो गया. तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली मैं एक लिसन में सुन नहीं पा रहा हूँ कि क्या है, बट वो पैंड है, कभी यहाँ बज रहा है वो, कभी वहाँ बज रहा है, तो वो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है. ऑल्सो इनिशियली एक टॉप
स्ट्रिंग्स, लाइक से वायलिन टाइप स्ट्रिंग्स थे शायद, वो आके गए और बाद में साउंड ठीक हो गया, पैड्स आ गए। यहाँ मुझे एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि एक वो जो नॉन वर्बल हूँ या ऐसा कुछ था, वो उसने बहुत कुछ ऐड किया गाने को। आई डोंट नो इफ इट वॉज एक्चुअली कंपोज और इट वॉज श्रेयास इम्प्रोवाइजेशन, बट जो भी था इट वॉज रियली वेल डन। ऑल्सो ये कोरस जो है इसमें बहुत अच्छा, ये एक टैक्ट या ट्रिक, म्यूजिकल ट्रिक आप कह सकते हो, कि जनरली जब बनाते हो फ्रेज बनाते हो गाना बनाते हो, आपको जो फर्स्ट बीट है या जिसको डाउन बीट कहते हैं म्यूजिक में, उस पर अगर वापस कैसे घूम के आना है, तो उसके लिए आप कॉर्ड्स उस तरह का जनरली, थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ, लाइक अ फिफ्थ कॉर्ड टू द टॉनिक कॉर्ड, लाइक रूट कॉर्ड पे आप वापस आते हो, बट उसको ये बैकिंग वोकल में जो चंद्रा बोल रहे हैं वहाँ से वो दो नोट्स डाल के दे आर कमिंग बैक टू द, सो अब ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स इंडिया हैज़ राइट नाउ, सो ये तो मतलब बहुत ईजी काम है, बट फॉर समवन हुज़ एन एमेचर जो ये सब देख के सीखने का कोशिश करते आता है, तो मेरे लिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सीखने भी मिल रहा है इससे। सो या लेट्स जस्ट वॉच इट। सुपर हाई एनर्जी, नाइस। ओके, oh nice, the feel change, it is half time now. Okay, build up, nice. सो या एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल सॉन्ग। आई वॉज एक्चुअली जस्ट कंपेयरिंग इन माई हेड कि अप्सरा अली आवाज़ लेके बारह से कैसे डिफरेंट है, और बहुत डिफरेंट है। ऑफकोर्स द फिल्म वुड हेल्प, द किस पीरियड में सेट है, ये थोड़ा मॉडर्न पीरियड लग रहा है, तो वो सारा चीज़ वुड हैव हेल्प्ड। सो ऑफकोर्स अलग ही आएगा बिकॉज दे मेक सॉन्ग्स फॉर द स्टोरी, फॉर द स्क्रिप्ट, सो वहाँ से वन म्यूजिक एमिनेट्स वहाँ से आता है, सो ऑब्वियसली इट विल हैव अ डिफरेंट टच, अ डिफरेंट फ्लेवर, बट स्टिल टू हैव द म्यूजिकल वोकैबुलरी कि एक ही टाइप के आप पाँच गाने हमसे बनवाओ, उसमें भी हम इतना वेरिएशन देते हैं, दैट्स द जीनियस। सो एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सॉन्ग। आई वुड रियली लाइक टू कमेंट द मिक्सिंग एज वेल, कि इतना क्लियरली मिक्स था। ऑफकोर्स दिस इज professional stuff, this is you know film industry and they do like a great job, but still mixing bahut hi beautiful tha, every single element kab aaya kab gaya, everything was crystal clear and it was absolutely fantastic.
सो आई वॉन्ट रियली कॉमेंट मच अबाउट द लिरिक्स. मुझे समझ आया, मैं इतनी मेरी मराठी अच्छी है कि मैं समझ लूँ, बट इतनी अच्छी नहीं है कि मैं मराठी में फ्लुएंटली बोल पाऊँ. बट जहाँ तक मुझे समझा, शी वॉज ट्राइंग टू वू द गाय. बट एक चीज़ मैंने उसमें पकड़ ली, वेयर ही सेड लिरिक्स में कि अवतरली सुंदरा और समथिंग, या अप्सरा ऐसा कुछ. तो अप्सरा आली में भी वही किया था, बट मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ में सुना था, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि अप्सरा आली के जगह यू कुड फिक्स एनी थिंग, बट बेसिकली वॉट दे वॉन्टेड टू डू इज़ वॉट इफ़ लावणी इज़ बॉर्न, या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट करना चाह रहे थे. तो सिमिलर आइडिया मुझे यहाँ भी लगा, मे बी आई एम जस्ट यू नो लुकिंग टू मच इन टू इट, या ऐसा कुछ है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज़ में आई हैव हर्ड अजय अतुल से कि अप्सरा आली की जगह लावणी आली भी आप कर सकते थे उसको. सो दैट्स जस्ट अ थिंग. बट ओवरऑल लिरिकली म्यूजिकली इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. नाउ अगेन वोकल्स, तो श्रेया घोषाल इसमें आई एम लाइक हर हफ्ते दो हफ्ते में गाना उनका आता है, एंड शी इज़ डिफरेंट एंड एग्जैक्टली यू नो परफेक्ट इन एवरी सॉन्ग. तो इतने शेड्स ऑफ परफेक्शन आप क्या बोलोगे. सो इसमें थोड़ा टेक्सचर इनिशियली व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग तो मुझे अलग लगा, मे बी दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, या मिक्स में वैसा उनका टोन शेप किया गया, आई डोंट नो. बट इट फिट द सॉन्ग, इट फिट द स्टाइल ऑफ द सॉन्ग रियली वेल. एंड जैसे बढ़ता गया हर यूजुअल वेरिएशंस, द थ्रो द डायनामिक्स वो आता गया, एंड इट केप्ट मी हुक्ड थ्रू आउट. आई यूजुअली डोंट टॉक अबाउट द विजुअल्स, बट हियर बिकॉज इट वॉज स्टेज्ड इन लाइक वन रूम और वन हॉल, सो देर वॉजन्ट लॉट टू वर्क विद, बट द सेट डिज़ाइन, द कॉस्ट्यूम एंड एवरी थिंग सीम रियली ऑथेंटिक, और कुछ भी ओवर द टॉप या ड्रामेटिक नहीं था. ऑफकोर्स देर वॉज ड्रामा इन द म्यूजिक, टेंशन था, बिल्डअप हो रहा था, एंड उसमें डांस भी चेंज हो रहा था. सो ऑल दैट फिट रियली वेल. ओवरऑल आई रियली लाइक दिस सॉन्ग. आई एम एक्चुअली ईगर टू चेक आउट अदर सॉन्ग्स फ्रॉम दिस एल्बम. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगेन लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू वॉन्ट मी टू रिव्यू दैट, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. इफ यू हैव एंड चेकड आउट अदर स्टफ ऑन माई चैनल, प्लीज डू. I do a lot of music related content. Thanks for watching till here. Leave a like if you already haven't, and make sure to hit the subscribe button and the bell icon so that whenever I drop a new video, you get instantly notified. With all that being said, I'll take a leave and I'll see you all in another video. Bye.